अब आप माफी मांगिए या इस्तीफा दीजिए, हम सदन में नहीं आने वाले, हम सदन में नहीं। अध्यक्ष महोदय, और जो हम अपमानित यहाँ हुए हैं सरकार द्वारा, हम भाई हम सदन में हम दोबारा नहीं आएंगे जब आप तक बैठिएगा। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा, हमको बोला गया कि हम सदन को गुमराह करते हैं। एक मिनट में अपनी बात को रखें। अध्यक्ष महोदय, आप ठीक एक मिनट हमको दिए हैं, इसके लिए हम आपके लिए आभारी हैं। हम जनता के सवाल को उठाते, विपक्ष के सवाल को उठाते, हमने सवाल पूछा, ढंग से पूछा, नियमावली के अनुसार पूछा। और संसदीय प्रणाली में हम किसी अधिकारी को नहीं जानते, जो सरकार है हम उसको जानते हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व मंत्री करता है। लेकिन फिर भी हमने आपको बोला कि आपके अधिकारी हो सकता है कि आपको गलत दे दिए होंगे, गलत पढ़वाए होंगे। हम चाहते तो हम आपको बोल सकते थे, लेकिन हम सोचे कि आज ये डेटा लेके आए होंगे, बताएंगे। और आज हम पे आरोप लगाया गया, डायरेक्ट मंत्री जी हम पे आरोप लगाए। हम तो जनता का सवाल उठाए, तो कोई पर्सनल बात नहीं था। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा, हमको बोला गया कि हम सदन को गुमराह करते हैं, तो कहां से करते हैं ये आप साबित कीजिए। अगर हम गुमराह करते, लेकिन आज हम मनमाहत हुए हैं महोदय, मनमाहत हुए। और हमने प्रस्तुत भी किया है सारा डॉक्यूमेंट्स, डेटा कहां से, वेब पोर्टल जहां से हम लाए हैं वेबसाइट का। और हम यहां कहना चाहते हैं महोदय कि अगर हमने सदन को गुमराह किया है, अगर लगता है तो हम, और जो हम अपमानित यहां हुए हैं सरकार द्वारा, हम भाई हम सदन में हम दोबारा नहीं आएंगे जब आप तक बैठिएगा। अब आप माफी मांगिए या आप इस्तीफा दीजिए, हम सदन में नहीं आने वाले, हम सदन में नहीं। अध्यक्ष महोदय, बात है, माने क्या, आलो बैठे, क्यों करते हैं इस तरह से।